नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत वाईडी में और हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम एक इमली फ्लेवर्ड कैंडी के बारे में बताने वाले हैं। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो चॉकलेट है इसका जो और भी फ्लेवर्स है उसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। और हालांकि इसके अदर फ्लेवर्स के बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि इस कैंडी के और भी फ्लेवर्स है, तो सबसे पहले मैं आपको कैंडी के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे जो कैंडी जो है उसका नाम है आपका फ्लिप। तो इस कैंडी के ऊपर में हमने लिमू फ्लेवर के ऊपर में इस कैंडी का हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इधर आई बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में इसके कमेंट सेक्शन में हमें हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था कि इसके और भी 6 फ्लेवर्स है। तो हालांकि हमें और 3 फ्लेवर्स तो मिल ही चुके हैं इसके इस कंपनी के, तो अभी तो हम एक और फ्लेवर का बना रहे हैं। बाकी जो और 2 फ्लेवर्स बचे हैं हमारे पास जो है उनका हम फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे और लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को और पे सेट कर दीजिएगा ताकि उनके अगर वीडियोस जब भी आपके पास आते हैं हम अपलोड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज के हमारे जो फ्लेवर में। तो आज का जो फ्लेवर है वो है आपका फ्लिप का चटपटा इमली फ्लेवर। तो आज हम इसको ट्राई करने वाले हैं। तो इस इमली फ्लेवर, चटपटी इमली फ्लेवर के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और जिसको जो कि बिल्कुल फ्री है, लाइक बटन दबा दीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, आपको उसका कुछ नहीं पैसा लगता, तो भैया जल्दी से लाइक कर दो। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर इसका आपने हमारे पहला का जो वीडियो देखा ही होगा नींबू फ्लेवर का, इस चॉकलेट का जो नींबू फ्लेवर वाला आता है उसके वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने इसकी कंपनी के बारे में भी बताया है। खैर, नहीं भी जानते हैं तो भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो कंपनी है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका नाम है आपका सैम्पर न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी एक तेलंगाना की कंपनी है। और ये थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और इसकी जो मार्केटिंग कंपनी है वह है आपका डीजेएस सन्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी दिल्ली में है। तो ये दोनों कंपनियां जो है वो इंडिया की ही कंपनी है। तो बेसिकली ये जो चॉकलेट है ये एक इंडियन चॉकलेट है। और अब दोस्तों आते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में। तो दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपका आता है शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, फिर आपका डेक्सट्रोज, उसके बाद मिक्स मसाला, और फिर इसमें आता है आपका आयोडाइज सॉल्ट एंड एसिडिटी रेगुलेटर। और साथ ही में दोस्तों इसमें कलरिंग के लिए डाला जाता है परमिटेड सिंथेटिक फूड कलरिंग, और साथ ही में आपका फ्लेवरिंग के लिए डाला जाता है इसमें इमली का जो फ्लेवर है उसके लिए आपका डाला जाता है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, और साथ ही में आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस टर्मराइड, तो उसका इसमें फ्लेवरिंग डाला जाता है। तो ये थे दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट। और दोस्तों अब हम इसके प्राइसिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो उसका रुपीज है सिर्फ 1 ओनली, ये 1 रुपया में मार्केट में अवेलेबल है। और दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें कैलोरीज की तो इसमें आपका 388 कैलोरी का कैलोरीज इसमें रहता है। और अब हम आते हैं दोस्तों इसकी प्राइसिंग के ऊपर में। तो 1 रुपया में ये मार्केट में अवेलेबल में है। और अब दोस्तों हम आते हैं इसके वेज एंड नॉन वेज की। तो दोस्तों, ये एक वेज प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेज का साइन दिया हुआ है, 100% वेज चॉकलेट है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इसके डिटेल्स। अब दोस्तों हम इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा रहता है। और अगर आपने भी पहले कभी खाया है या टेस्ट किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आपने भी टेस्ट किया है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा है। तो दोस्तों, ये रहा है चॉकलेट, कुछ इस तरीके का है ये आपका चॉकलेट। ओके, और इसमें जो मसाला है वो आई होप सो बीच में रहना चाहिए मसाला। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। तो दोस्तों, इसको टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि
अबाउट 60% जो है इसमें आपका इमली का जो फ्लेवरिंग डाला गया है उसका 60% टेस्टिंग आ रहा है, और साथ ही में अगर मैं इसमें मसाला टेस्ट की बात करूँ तो अबाउट 30% इसमें मसाला का टेस्ट आ रहा है। मगर मसाला का जो टेस्ट है मतलब उतना भी मतलब अच्छा उसका स्वाद नहीं आ रहा है जैसे कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कि हम लोग नॉर्मल रॉ इमली जो रहता है उसके ऊपर हम लोग घर में जो नमक मिर्च मसाला डाल के जो बनाते हैं उसका जो टेस्ट आता है वैसे टेस्ट तो ज्यादा आ नहीं रहा है, ठीक है ना, मतलब मीडियम साइज में ओके टेस्ट आ रहा है मसाला का। तो जिसको अगर मतलब मीडियम में मसाला पसंद है ज्यादा मसाला पसंद नहीं है तो उनके लिए ये चीज ठीक है इमली के साथ अगर मसाला खाना पसंद करते हैं तो। और बाकी इमली का टेस्ट भी अगर जिनको ज्यादा पसंद नहीं है तो उनके लिए भी ये चीज ठीक ही है, अच्छा है। और हालांकि जो इमली लवर्स है इमली फ्लेवर उनको ज्यादा मजा नहीं आएगा इस चॉकलेट में। तो दोस्तों बेसिकली यही था आज के इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू, और हमारा वीडियो भी आज का इतना ही तक के था। तो आई होप सो आपको हमारा आज का ये प्रोडक्ट रिव्यू ऑन फ्लिप चटपटा इमली के ऊपर जो था वो आपको पसंद आई होगी। तो आई होप सो, तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अच्छी लगी हो तो। और साथ ही में अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग फ्लेवर्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लाते रहते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।